स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का टॉप 30 MCQ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। अप्रॉक्स आपका जो है जिस पैटर्न पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न पे हम क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। टॉप 30 MCQ क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आपका एग्जामिनेशन जो है आपका 25 मार्च के बाद ही होगा और अप्रैल के फर्स्ट वीक तक आपका होने की संभावना है। ठीक है, 25 मार्च से लेके आपका फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक आपका एग्जामिनेशन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो। यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज ए DBMS, कि आपका DBMS होता क्या है। DBMS इज ए कलेक्शन ऑफ क्यूरीज, DBMS इज हाई लेवल लैंग्वेज, DBMS इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, या DBMS स्टोर मॉडिफाई एंड रिट्रीव डेटा। इसमें से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि DBMS जो है आपका स्टोर करता है, मॉडिफाई करता है और रिट्रीव करता है डेटा को। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु क्रिएटेड द फर्स्ट DBMS, जो आपका फर्स्ट DBMS है इसको किसके द्वारा क्रिएट किया गया था। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैचमैन, ऑप्शन बी करेक्ट है। जो चार्ल्स बैचमैन है वह आपको फर्स्ट DBMS को क्रिएट किए थे। अगर हम लोग फर्स्ट DBMS की बात करें तो IDS डेवलप किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट विच टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर इन द डेटाबेस, मतलब किस टाइप के डेटा को हम लोग डेटाबेस में स्टोर करते हैं। इमेज ओरिएंटेड डेटा, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो, या ऑल ऑफ द अबव। तो जो आपका डेटाबेस होता है इसमें हम लोग इमेज ओरिएंटेड डेटा भी स्टोर करते हैं, टेक्स्ट फाइल कंटेनिंग डेटा भी स्टोर करते हैं, डेटा इन द फॉर्म ऑफ ऑडियो और वीडियो भी स्टोर करते हैं, ऑल ऑफ दी, जिसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका बीपीएससी 3.0 में भी पूछा गया है। ठीक है, कि मतलब किस टाइप का डेटा को जो हम लोग DBMS में स्टोर करते हैं, 9-10 कंप्यूटर में पूछा गया था आपका। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखें कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ डेटाबेस, इनमें से कौन ऐसा है जो डेटाबेस का टाइप आपका नहीं है। हायरार्किकल, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड या डिसेंट्रलाइज। ठीक है, तो जो आपका डेटाबेस का टाइप नहीं है ये आपका डिसेंट्रलाइज होता है। डिसेंट्रलाइज टाइप का जो आपका कोई भी डेटाबेस नहीं होता है। यह भी आपका 9-10 कंप्यूटर में पूछा गया है आपका, जो आपका एग्जामिनेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट डेटा इज स्टोर इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है इसमें हम लोग किस फॉर्मेट का डेटा को स्टोर करते हैं। इमेज फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में, टेबल फॉर्मेट में या ग्राफ के फॉर्मेट में। तो यहाँ पे जो है जो हम लोग डेटा का जो स्टोर करते हैं DBMS में, वो हम लोग टेबल के फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। यहाँ पे जितने भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं 30 क्वेश्चन, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका बीपीएससी 3.0 के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ DBMS, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका DBMS से एग्जाम्पल नहीं है। जैसे आपका MySQL हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हो गया, IBM DB2 हो गया या गूगल हो गया। तो जो आपका DBMS होता है इसका तो एग्जाम्पल आपका नहीं है गूगल। गूगल जो है आपका DBMS से एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि गूगल जो है आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 7 कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ DBMS, इनमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आप जिसमें आपका फीचर्स नहीं है DBMS का। मिनिमम डुप्लीकेशन एंड रिडंडेंसी ऑफ ए डेटा, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, सिंगल यूजर एक्सेस मनली, सपोर्ट सीट प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे जो आपका फीचर्स नहीं है DBMS का वो आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिंगल यूजर एक्सेस मनली, ये आपका DBMS का फीचर नहीं है। नेक्स्ट, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द DBMS, जो ऑप्शन गिवन है इसमें से कौन ऐसा ऑप्शन है जो आपका DBMS का फीचर है। नो बैकअप फॉर द डेटा स्टोरेज, ये आपका गलत है। यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, ये आपका सही है। लैक ऑफ ऑथेंटिकेशन, ये भी आपका गलत है। स्टोर डेटा इन मैनिपुलेशन लोकेशन, ठीक है, यह भी आपका जो है गलत है। तो पूछ रहा है कि फीचर्स कौन सा है, तो यूजर इंटरफेस प्रोवाइडेड, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ DBMS,
कौन ऐसा इसमें से ऑप्शन है जो आपका फंक्शन नहीं है आपका डीबीएमएस का? मैनेजिंग स्टोरिंग द डेटा, मैनिपुलेटिंग डेटा, सिक्योरिटी फॉर स्टोर डेटा, एनालाइजिंग कोड। तो जो आपका डीबीएमएस होता है ये आपको कोड को एनालाइज नहीं कर सकता है। एनालाइजिंग कोड जो है आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीबीएमएस का जो आपका फंक्शन होता है इसमें जो है एनालाइजिंग कोड नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखे क्वेश्चन नंबर 10 कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द डीबीएमएस। जो फंक्शन होता है डीबीएमएस का वह इसमें से कौन सा है? स्टोरिंग डेटा, प्रोवाइडिंग मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल, डेटा इंटीग्रिटी, ऑल ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि जो आपका डीबीएमएस होता है वह आपका स्टोर भी करता है डेटा को, प्रोवाइड भी करता है आपको मल्टी यूजर एक्सेस कंट्रोल को, और आपका डेटा इंटीग्रिटी को, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपोनेंट ऑफ द डीबीएमएस। कि डीबीएमएस का कंपोनेंट कौन सा है? डेटा है, डेटा लैंग्वेज है, डेटा मैनेजर है, या ऑल ऑफ द अबव है। तो जो आपका डीबीएमएस का कंपोनेंट होता है आपका वह डेटा भी होता है, डेटा मैनेजर भी होता है, ठीक है, और डेटा लैंग्वेज भी होता है। ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज द सेट ऑफ एंटिटी ऑफ द सेम टाइप दैट शेयर सेम प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स। इनमें से कौन ऐसा टाइप है, कौन है ऑप्शंस में जो सेट ऑफ एंटिटीज ऑफ द सेम टाइप को और शेयर प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका एंटिटी सेट। अगर एंटिटी का हम लोग कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ एंटिटीज जो होता है इसी को हम लोग एंटिटी सेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वार डज एन आरडीबीएमएस कंजिस्ट ऑफ। जो आपका रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो क्या कंजिस्ट करता है? कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ की, कलेक्शन ऑफ टेबल्स, या कलेक्शन ऑफ फील्ड। तो जो आरडीबीएमएस होता है इसका कलेक्शन ऑफ क्या होता है? टेबल्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा कॉल्ड। यह आपका 9 to 10 कंप्यूटर में पूछा गया क्वेश्चन है। जो डेटा अबाउट डेटा होता है इसको हम लोग मेटा डेटा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी में भी गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि द एबिलिटी टू क्वेरी डेटा एज वेल एज इंसर्ट डिलीट एंड अल्टर टेबल इज ऑफर्ड बाय। जो हम लोग यहाँ पे कमांड देख रहे हैं कि इंसर्ट कमांड हो गया, डिलीट हो गया, अल्टर हो गया, यह आपका किस टाइप का जो है अति फंक्शन है? ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज है, या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। जो आपका सेलेक्ट इंसर्ट अपडेट डिलीट जो होता है यह सब आपका डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कि विच कमांड इज यूज टू रिमूव ए रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। जो आपका एसक्यूएल होता है इसमें हम लोग रिलेशन को रिमूव किस कमांड से करते हैं? ड्रॉप टेबल, डिलीट, पर्ग, या रिमूव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रॉप टेबल। ड्रॉप टेबल करके हम लोग क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं रिलेशन फ्रॉम एन एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Which of the following command is the correct to delete the value in the relation teaches? इसमें से कौन सा ऐसा कमांड है जो आपका teaches रिलेशन के लिए आपका सही यूज किया गया है? Delete from teaches semicolon, यह आपका करेक्ट है। ऑप्शन ए जो इसका आपका करेक्ट है, ठीक है। यहाँ ड्रॉप टेबल teaches से गलत है, रिमूव टेबल teaches से गलत है, delete from teaches where id is equal to null, यह भी गलत है, delete from teaches यह आपका करेक्ट जो है, ठीक है, करेक्ट कमांड है। नेक्स्ट वन इज प्रोसीड्रल लैंग्वेज अमॉन्ग द फ्लोइंग इज। जो आपका प्रोसीड्रल लैंग्वेज होता है इसमें आपका डोमेन रिलेशन कैलकुलस, टपल रिलेशन कैलकुलस, रिलेशनल अलजेब्रा, या क्यूरी लैंग्वेज। तो जो आपका प्रोसीड्रल लैंग्वेज होता है यहाँ पर क्या होता है? रिलेशनल अलजेब्रा होता है। रिलेशनल अलजेब्रा को हम लोग प्रोसीड्रल क्यूरी लैंग्वेज बोलते हैं। नॉन प्रोसीड्रल किसको बोलते हैं? जिसमें हम लोग कैलकुलस का बात कर रहे हैं, जैसे डोमेन रिलेशन कैलकुलस हो गया, टपल रिलेशन कैलकुलस हो गया, यह सब आपका नॉन प्रोसीड्रल क्यूरी लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट कभी भी आपको प्रोसीड्रल लैंग्वेज पूछा जाए तो आपको वहां पे रिलेशनल अलजेब्रा देखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डैश ऑपरेशन डू नॉट प्रिजर्व नॉन मैचेस टपल्स। कौन ऐसा ऑपरेशन है जिसमें आपका नॉन मैचेस टपल्स को प्रिजर्व नहीं करता है? लेफ्ट आउटर ज्वाइन, इनर ज्वाइन, नेचुरल ज्वाइन, या राइट आउटर ज्वाइन। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन ज्वाइन जो आपका वह नॉन मैच टपल को प्रिजर्व नहीं करता है। नेक्स्ट वन
Which form have a relation that contains information about a single entity? कौन ऐसा रिलेशन है जो फॉर्म करता है इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल एंटिटी 4NF, 2NNF, 5NF, 3NF, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो आपका 4NF होता है, ये आपको इंफॉर्मेशन अबाउट ए सिंगल एंटिटी होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन, द टॉप लेवल ऑफ द हायरार्की कंजिस्ट ऑफ डैश ईच ऑफ विच कैन कंटेन्स डैश, तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा कैटलॉग एंड स्कीमा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। कंजिस्ट करता है आपको कैटलॉग को, यहाँ पे कैटलॉग हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कंटेंस करता है आपका स्कीमा को। ठीक है, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करें, क्वेश्चन नंबर 22, द यूजर आईडी कैन बी एडेड और रिमूव यूजिंग विच ऑफ द फ्लोइंग फिक्स रोल्स, जो आपका यूजर आईडी जो होता है आपका एडेड होता है रिमूव होता है उसमें हम लोग कौन सा रोल को जो फिक्स रोल का यूज करते हैं, डीबी सिस एडमिन, डीबी एक्सेस एडमिन, डीबी अंडर स्कोर सिक्योरिटी एडमिन, डीबी अंडर स्कोर सेटअप एडमिन, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीबी अंडर स्कोर एक्सेस एडमिन, इसको हम लोग यूज करते हैं ठीक है एड और रिमूव करने के लिए फॉलोइंग फिक्स रोल। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट द यूटिलिटी ऑफ द डीबीएमएस, इनमें से कौन ऐसा है जो यूटिलिटी ऑफ डीबीएमएस नहीं है आपका, बैकअप हो गया, डेटा लोडिंग हो गया, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन हो गया या फाइल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन। प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का यूटिलिटीज होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन का देखते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका डीबीएमएस होता है इसमें हम लोग जो है आपका प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन जो है जो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, यह आपका डीबीएमएस या यूटिलिटी पार्ट नहीं है। नेक्स्ट वन इज डैश रिसेंबल क्रिएट व्यूज, कौन ऐसा जो है वो रिसेंबल करता है क्रिएट व्यू को, तो क्रिएट टेबल एज, ऑप्शन ए जो है इसका आपका करेक्ट है। ठीक है, क्रिएट टेबल एज। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट द एट्रीब्यूट इन ए लार्ज टेबल, ठीक है, कौन ऐसा वे है जिसमें हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एट्रीब्यूट को इन ए लार्ज डीबी मतलब लार्ज डेटाबेस में, इसको हम लोग बोलते हैं कंकेटेशन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ एसक्यूएल कमांड यूज टू मैनिपुलेट ओरेकल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग टेबल, इसमें बोला जा रहा है कि किस टाइप का सबसेट है एसक्यूएल कमांड को जिसमें हम लोग मैनिपुलेट करते हैं स्ट्रक्चर्स को, जैसे ही आपका स्ट्रक्चर का बात हो गया इसका मतलब आपका हो गया डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग की इज रिक्वायर्ड इज टू हैंडल द डेटा वेन द इनक्रिप्शन इज अप्लाइड टू द डेटा सो दैट द अनऑथोराइज यूजर कैन नॉट एक्सेस द डेटा, जो आपका अनऑथोराइज यूजर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते हैं डेटा को, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा की बोलते हैं, इसको हम लोग इनक्रिप्शन की बोलते हैं। ठीक है, इट इज नोन एज इनक्रिप्शन की। एंड नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज द प्रोसेस ऑफ व्यूइंग क्रॉस टैब विथ ए फिक्स वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट, इनमें से कौन ऐसा प्रोसेस है जो उसको व्यूइंग क्रॉस टेबल विथ ए फिक्स वैल्यू ऑफ वन एंड मोर एट्रीब्यूट, फिक्स वैल्यू ऑफ वन एट्रीब्यूट इसको हम लोग स्लाइसिंग बोलते हैं, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज फॉर डिजाइनिंग ए नॉर्मल आरडीबीएमएस विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्मल फॉर्म इज कंसिडर एडिक्यूट, जो हम लोग नॉर्मल आरडीबीएमएस को जो डिजाइन करते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, इसमें हम लोग कौन सा नॉर्मल फॉर्म को एडिक्यूट करते हैं, कंसिडर करते हैं एडिक्यूट, इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3NF को। सिंगल एंटिटी पूछ ले आपको तो 4NF मानना है, अगर आपको पूछा जाए कि कंसिडर एडिक्यूट किसको हम लोग कंसिडर करते हैं तो आपको 3NF मानना है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉपुलर फॉर एप्लीकेशन सच एज द स्टोरेज ऑफ ए लॉग फाइल इन ए डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंस इट ऑफर्स द बेस्ट टाइप परफॉर्मेंस रेड लेवल 0, रेड लेवल 1, रेड लेवल 2, रेड लेवल 3, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेड लेवल 1।
जबकि रेड लेवल वन जो होता है यह पॉपुलर एप्लीकेशन है सच एज द स्टोरेज ऑफ लॉग फाइल इन द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सिंस इट ऑफर्स द बेस्ट वे राइट परफॉर्मेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग डीबीएमएस का टॉप 30 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपका डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछा गया हुआ है। आपका जो आपका 9-10 कंप्यूटर का जो पेपर हुआ था इसमें भी आपका मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया था और 32.0 का भी क्वेश्चन इसमें इन्वॉल्व था, 1.0 का भी अवेलेबल था। ठीक है, तो बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट आपका 30 एमसीक्यू क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपको बीपीएससी 3.0 कंप्यूटर साइंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड इसके अलावा भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर